हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू हिमनीत ब्लॉग। तो अभी हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं ले के लिए। और आज यहाँ हम जिस होटल में हम रुके थे, यहाँ से बहुत सारे गेस्ट गए थे ओमलिंगा पास पे, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगी। वो लोग आधे रास्ते से ही वापस आ गए हैं और मौसम तो बस पूछो मत, वेदर बहुत खराब हो चुका है इधर। तो ये है कुछ लुक, बहुत स्नोफॉल हो रही है उधर आगे। हमारे ब्लॉग में देखना कल जहाँ हम गए थे जिस पास पे नुबरा पास था ना, वो नुबरुला पास जो था, वहाँ पे तो इतनी ज्यादा स्नोफॉल है। मतलब वो छोटी पहाड़ी क्रॉस करके ही जिस रास्ते से हम गए थे, वो वहाँ पे पूरी स्नोफॉल है भर भर के। तो यहाँ का वेदर कभी भी बदल जाता है, कुछ नहीं पता। बस घूमने के लिए 2 ही महीने होते हैं, जून और जुलाई, बट कुछ कह नहीं सकते, कभी भी वेदर चेंज हो सकती है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। और हमारी हिमालयन पे सारा सेटअप लग चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी हमारी हिमालयन बिल्कुल रेडी है चलने के लिए और हम लोग भी रेडी हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और बने रहना हिमनीत ब्लॉग पे। अभी हम होटल से निकल रहे हैं सबने। होटल का नाम है ओमलिंगा रेजिडेंसी हानले। और ये देखो ओमलिंगा पास जाने वाला रास्ता कितना खराब हो गया है, इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। आज हमारे होटल से भैया कहते सुबह 7 बजे निकले, 6 बजे, और आधे रास्ते से 30 किलोमीटर से वापस आ गए। इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही थी। अरे पहाड़ों पर जो आप स्नो देख रहे हो ना, ये रात को ही पड़ी है, 4 बजे 5 बजे। इधर बिल्कुल भी स्नो नहीं थी। आखिरी से स्नो बता रहे हैं भैया 15 दिन पहले पड़ी थी। जो पूरा ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे वो पूरा कवर्ड हो गया था। 15 दिन बाद दोबारा स्नो पड़ी है रात को, बहुत ज़्यादा हैवी। वो पूरे पहाड़ों पर आपको दिख रही होगी हल्की हल्की स्नो। और आगे तो ओमलिंगा पास जाने का रास्ता भी नुबरुला पास पे तो हैवी स्नोफॉल हो रही है, वहाँ भी नहीं जा पाए वो। हम तो चलो नुबरुला पास से आगे चाइना बॉर्डर तक भी हुआ है, लेकिन वो भैया वहाँ तक भी नहीं हो पाए, होके आ पाए। 30-35 किलोमीटर से वापस आ गए। इतनी हैवी स्नोफॉल मिली उन्होंने, दिखाया फोन वीडियो दिखा रहे, इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही थी। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि चलो हम ओमलिंगा तो नहीं, लेकिन नुबरुला पास और आगे चाइना बॉर्डर जुड़सर तो तक होके आ गए। आखिरी बॉर्डर तक चाइना की सर लास्ट 5 किलोमीटर पहले लास्ट आईटीबीटी का चेक पोस्ट है, वहाँ तक होके आ गए हम। तो भाई ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से। बाइक बिल्कुल रेडी है, सारा सामान बिल्कुल पैक कर चुका है, सब कुछ रेडी कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ले के लिए और रास्ते में मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस फोटीला पास है यहाँ से, फोटीला 28 किलोमीटर ये रास्ता जाता है फोटीला का। रास्ते में चेक पोस्ट आ गया तो एंट्री करा लेते हैं। हाँ जाते वक्त परमिट दिखाया था सर, परमिट दिखाया हाँ, और वो लिखा भी था DL8SCZ गाड़ी का नंबर वगैरह साइन वगैरह करवाए थे। दीदी बैठे हुए थे, एम कार्ड देंगे। ओके सर, हम निकल रहे हैं ले के लिए और मौसम अब खराब होता चला जा रहा है, पूरा काला हो गया है किधर से सीधा, तो मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और ले है यहाँ से 257 किलोमीटर, अप्रोक्स 6 घंटे लगेंगे। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 10, लेट हो गए, 9 बजे निकलना था, 10 बज गए, 5 बजे तक उम्मीद है पहुँच जाएंगे, बाकी देखते हैं। ये मोनेस्ट्री है, कल जा नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, 4:30 पहुँचे थे। उसके बाद खाना वाना खाया, 5 बज गए, फिर ऑब्जेक्ट्री में गए, ऑब्जेक्ट्री से वापस आते आते पूरे 6 बज गए, फिर मोनेस्ट्री नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये घोड़े ये यहाँ पे बहुत सारे हैं सेम कलर के ऐसे ही। और सामने स्नो पड़ रही है, रात से ही स्नो पड़नी शुरू हो गई थी यहाँ पे, होटल के बाहर भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी और ऊपर पहाड़ बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अब पूरे हल्के हल्के स्नो कवर दिख रहे हैं। और आगे की तरफ राइट साइड में ओमलिंगा पास के रास्ते में तो पूरी स्नो पड़ चुकी है। आज भी राइडर गया ही नहीं, भैया सुबह गए वो बता रहे कोई भी नहीं था, तो वापस आ गए, कोई राइडर नहीं गया आज क्योंकि इतना ख़राब मौसम है, ओमलिंगा पास जाना सेफ नहीं है। 85 किलोमीटर दूर है और पूरा रास्ता जो है वो ऐसे ही हो गया है, तो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हाइट भी तो ओमलिंगा पास की बहुत ज़्यादा है, 19,000 समथिंग फीट है। तो भाई यहाँ का मौसम का मैंने ओनर से पूछा तो कह रहे थे, होटल वाले बता रहा था मैनेजर, कि यहाँ के मौसम कोई भरोसा नहीं है,
सीजन का जो टाइम है वो 2 महीने होता है, जून जुलाई, और स्नोफॉल उसमें भी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है अगस्त से, हानले में बहुत जल्दी ठंड पड़ने लग जाती है हानले में। तो अगर आप कभी भी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जून जुलाई में ही बनाएं, क्योंकि उसके बाद फिर ठंड पड़नी शुरू हो जाती है हानले में। वैसे हानले में गाइस कुछ खास है नहीं, फोटीला पास का रास्ता पूरा बंद हुआ हुआ है, पूरा ख़राब है, वहाँ कोई नहीं गया अभी तक। और उमलीला पास में स्नोफॉल पड़ गई है और रास्ता भी बहुत ख़राब हो गया पहले से भी। और एक मोनेस्ट्री है, एक ऑब्जेक्टरी है, और रात को मिल्की वे बहुत कम ही दिखता है। अब हमने देखा, हमें तो दिखा नहीं, हाँ तारे बहुत सारे दिखते हैं लेकिन मिल्की वे नहीं दिखता। मे बी शायद वो किसी पर्टिकुलर सीजन में दिखता होगा या किसी मंथ में दिखता होगा, पर हमें तो अभी दिखा नहीं। तो गाइस ठीक है, निकलते हैं। आपको रास्ते में जो जाने का वाला रास्ता तो सेम ही रहेगा, वो नियोमा तक, जो हमने माहे गांव तक फॉलो किया था वही रास्ता है, लोमा नियोमा होते हुए। तो मिलता हूँ गाइस आपको थोड़ी देर के बाद। स्नोफॉल होगी गाइस बहुत तकरीबन, राइट साइड में देखो कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। स्नो पड़ गई गाइस बहुत ज्यादा, पूरी रोड पे स्नो हो रही है। अब निकलना पड़ेगा गाइस फटाफट यहाँ से, अचानक से मौसम खराब हो गया यहाँ पे। सामने धूप निकल गई गाइस, बताओ लेफ्ट साइड में धूप निकल रही है। आगे भी जा रहे हैं राइडर्स और सारा बहुत सारे लोग जा रहे हैं आगे, वो सामने दिख गए। लाइट स्नोफॉल हो गई गाइस सामने ही बिल्कुल, मौसम इतना खराब हो रहा है गाइस लेफ्ट साइड, हमारे राइट साइड में नोमा रह गए यहाँ से 26 किलोमीटर। गजब गाइस, रात को ऐसी हो रही थी स्नोफॉल वहां पे हालने में, और उमलिंगला में बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही थी। अच्छा हुआ हम कल ही हुआ है, वरना तो हालत खराब हो जाती हमारी। गाइस बात बंदे तो नुबरेला तक ही नहीं पहुंच पाए, हम तो चलो फिर भी नुबरेला से आगे आगे 37 किलोमीटर आगे तक हुआ है। तो गाइस हम ब्रिज पहुंच गए, लोमा पहुंच चुके हैं, जो जाते समय आए थे आईटीबीटी का चेक पोस्ट, जहाँ से आने के लिए एंट्री होती है आपकी, परमिट सबमिट चेक होते हैं। तो भाई वापसी में हम जब आए थे तो पेंगोंग लेक इधर से आए थे और इधर से चले गए थे सीधा हानले। अब हमें जाना है इधर ले 175 किलोमीटर बता रहा है। तो निकलते हैं गाइस ले की तरफ। अच्छा ओके, नहीं नहीं तो भाई देखो पहाड़ों के अंदर से पानी कैसे निकल रहा है, आ रहा है, और रास्ता तो खराब है। तो गाइस लेफ्ट साइड में हमारे इंडस रिवर, और इधर काम चल रहा है तगड़ा वाला, आगे पता नहीं रोड कहाँ कब मिलेगी। और ये वाटर क्रॉसिंग, इससे अच्छा तो गाइस मैं ऊपर से निकाल लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा।
है रास्ता? भाई इस रास्ते में कुछ वाटर क्रॉसिंग भी मिलेंगी क्योंकि काम चल रहा है। से नहीं जाना, ये रास्ता जाता है ले तो हमें उधर जाना है, तो हम उधर निकलते हैं। उधर जाता है मनाली, तो भाई ये रास्ता जाता है ले और लेफ्ट साइड निकलता है मनाली, तो हमें मनाली नहीं जाना, हमें जाना है ले। और ये 20 किलोमीटर का रास्ता पूरा ऐसे ही है। मैं ब्रिज से आपकी चेक पोस्ट पर एंट्री होगी, चेक पोस्ट मिल जाएगा आपको, वहाँ से एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से लेफ्ट ले जाएंगे तो मनाली, सीधा ले जाएंगे तो आपको वहाँ से पहुँच जाएंगे ले। मिट्टी साइड करने में लगे हुए हैं और उधर भी बाइकर्स खड़े हैं, पीछे भी लाइन लग गई है। देखते हैं, कह रहे हैं कि आगे चुमा थांग से रास्ता बहुत बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा रास्ता ख़राब है। चुमा थांग यहाँ से 15-16 किलोमीटर, तो देखते हैं कब रास्ता देंगे ये, फिर निकलते हैं आगे। चुमा थांग यहाँ से रह गया 14 किलोमीटर और निकल गए हम वहाँ से। और ये देखो हमारे लेफ्ट साइड में सुंदर इंडस रिवर, उसकी वाटर क्रॉसिंग आ गई। बीच बीच में खराब रोड आ जाती है, बीच बीच में सही रोड है, काम चल रहा है। अगले ईयर तक मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन तक बढ़िया रोड मिल जाएगी यहाँ पे, टारमैक की प्रॉपर चौड़ी एकदम। अभी आगे रास्ता फिर बंद हो गया, कनेक्टिविटी की बात की जाए तो चुमा थांग में नेटवर्क नहीं है गाइस बिल्कुल भी। और खाने पीने की फैसिलिटीज यहाँ मिल जाएगी आपको चुमा थांग में। हम नहीं रुक रहे क्योंकि हमने जस्ट अभी न्योमा में ही ब्रेकफास्ट किया था, अभी भूख नहीं है। जियो का नेटवर्क तो नहीं है, ले रह गया यहाँ से 120 और क्यारी रह गया कितना, 10 किलोमीटर होगा। पीछे 12 था, 2 किलोमीटर आ गया। और ये आया ब्रिज, ये चढ़ाई आ गई और ये ब्रिज आ गया एक। पहाड़ देखो गाइस कैसा है, पूरा पत्थर का पूरा ए बना हुआ है ऐसा लग रहा है। ये देखो गाइस पत्थर के नीचे घर बना हुआ है। कैसे पत्थर बना रखे हैं बताओ, पत्थर को जोड़ जोड़ के घर बना रखे हैं बढ़िया वाले। तो गाइस ब्रिज स्लो, बहुत आवाज करता है रे ब्रिज,
और एक और ब्रिज पार करना है। रानी बाग भाई देखो कितनी सुंदर रिवर है, पानी आ रहा है। शाइनी थी, इतनी देर से चल रही थी, अब रोकने का मन कर गया तो उन्हें रोक दी। कितना सुंदर लग रहा है, और ये पत्थर के पहाड़ है एकदम सारे पत्थर वाले। उसी रहेगा यहाँ से 25-26 निकलते हैं उसी। भूख लग रही है बड़ी तेज। टाइम हो रहा है 3:20। देखो गाइस मौसम देखो, गोप्रो भी नाटक कर रहा है, बंद हो रहा बार बार। टर्न चेंज हुआ, इधर का मौसम देखो कैसा हो रहा है पीछे का, और सामने का देखो मौसम कैसा हो रहा है, कंप्लीटली चेंज। देखो राइट साइड में कैसा हो रहा है मौसम, सामने देखो कैसा हो रहा है, लेफ्ट साइड में देखो कैसा हो रहा है, अलग ही हो रहा है। तो गाइस अब यहाँ से 49 किलोमीटर रह गया ले, हम यहाँ से आए हैं ऐसे ही आपको लिखा होगा लोमा क्यारी और हानले 201। तो इस रोड से आ रहे हैं ऐसे, और ऐसे आके सीधा इधर से हमने खाया है, अपना लंच कर लिया हमने, पनीर भुर्जी दही और एक चाय ले ली, और अब हम सीधा निकल रहे हैं यहाँ से सीधा ले 49। ये बिल्कुल सीधा रे सूर्य चक्र क्यों कहिए, और अगर आप इधर से जाएंगे, इधर से आएंगे तो ये मनाली का है, और अगर आप हानले से आएंगे तो ये ऐसे आएंगे। तो निकलते हैं सीधा अब ले की तरफ। हाँ तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से, हम इधर से आए थे हानले से, और अब सीधे जा रहे हैं सीधा ले की तरफ 49 किलोमीटर, कारगिल 273, श्रीनगर 481। तो निकलते हैं सीधा, ये चेक पोस्ट आ गया क्या, कोई उसी का चेक पोस्ट है ये। गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से 47 किलोमीटर यहाँ से लगेंगे गाइस 58 मिनट्स, ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। कारू रह गया 13 किलोमीटर गाइस। भाई इंडस रिवर लेफ्ट साइड में चल रही है हमारे, हम रिवर के साथ साथ चल रहे हैं, और यहाँ से रह गया 45 किलोमीटर। इस रोड से मैं कभी आया नहीं, ये लेह मनाली वाला हाईवे है, इधर से मैं कभी आया नहीं। पीछे उल्टी साइड जाएंगे तो मनाली पहुंच जाएंगे। मैं क्योंकि उधर से सिंकुला जिसपा तक गया था, आपको पता ही है जिसपा से मैं सिंकुला पास की तरफ कट गया था संस्कार के लिए, तो इस रोड पर मैं पहली बार आया हूँ। इनफैक्ट मैं कारू भी पहली बार आया हूँ, और उसी भी तो उसी देख लिया मैंने, उसी में नेटवर्क अवेलेबल है, गधे भी अवेलेबल हैं, डोंकी भी अवेलेबल है, वही गधे डोंकी, नेटवर्क भी अवेलेबल है, और होमस्टे भी अवेलेबल है, और होटल्स भी अवेलेबल हैं। तो आप कभी उसी आते हैं तो आप आराम से रुक सकते हैं। वही कारू आ गया, यहाँ से ले रह गया 33। नेटवर्क कनेक्टिविटी फुल आ रही है, एयरटेल आइडिया और जियो, BSNL है नहीं, एयरटेल का भी लगा हुआ था देखा मैंने अभी। सब कुछ ही है गाइस यहाँ पे, रूम गेस्ट हाउस सब कुछ। गाइस एक विलेज आ गया है फिर से, और ऊपर एक मॉनेस्ट्री है जिसको देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। तो शे पैलेस
अच्छा ये पैलेस है, शेव पैलेस, जैसे ले पैलेस है वैसे ये शेव पैलेस है। तो शेव पैलेस निकल गया और हम उसी होटल में जा रहे हैं जो हमने पहले बुक करवाया था। फ़ोन कर दिया था हमने होटल का नाम तो पता ही आपको, जम्बाला इन में जाना है हमें। मॉर्गन पब्लिक स्कूल के पास में पड़ता है, आप गूगल में मॉर्गन, जैसे मॉर्गन चर्च लिखा हुआ था वैसे ही मॉर्गन पब्लिक स्कूल डाल देना। मॉर्गन स्कूल था ना वो, तो मॉर्गन स्कूल के पास ही है अपने होटल ऑलमोस्ट जम्बाला इन में। मॉर्गन मिशन स्कूल है और ये गली है, मॉर्गन मिशन स्कूल पीछे रह गया, मार्केट भी नीचे रह गई, थोड़ा आगे आएंगे तो ये रोड है सीधा। ये रेंटेड बाइक मिलती है यहाँ पे सब, ये सामने जो दिख रही है बिल्डिंग आपको, ये आगे जम्बाला इन, तो ये आगे हम इधर। तो ये होटल लगाया हमारा।